दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लिक नूडल्स, वो भी बाजार जैसी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही झटपट जल्दी बन जाती है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई ले ली है, इसमें लगभग 5 बड़ी चम्मच में कुकिंग ऑयल डालूंगा। आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, सेसमे ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, आप चाहे तो मक्खन का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया। लगभग मैंने 2 बड़ी चम्मच लहसुन डाला है, जिन्हें मैंने बारीक काट लिया था। आप चाहे तो उसमें लहसुन का पेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। मैंने 2 बड़ी प्याज काट ली थी और उसको लच्छेदार काट लिया था, उसको भी डालेंगे। इनको हल्का सा सौते करना है, ध्यान दें इनको पकाना नहीं है ज़्यादा। इसमें मैंने एक बड़ी शिमला मिर्च ली थी, उसको बारीक काट लिया था, उसको डालेंगे। इसमें आप जो रेड वाली शिमला मिर्च आती है या येलो वाली शिमला मिर्च आती है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बट मैंने यहाँ ग्रीन का शिमला मिर्च का यूज़ किया है। इसको भी हल्का सा सौते करेंगे और मैंने लगभग 4-5 फ्रेंच बीन्स ले ली थी, उसको काट लिया था, उसको डालेंगे, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और आधी गाजर ली थी, उसको बारीक काट लिया था, उस गाजर को भी डालेंगे। और छोटा सा पत्ता गोभी लिया था, उसको आधा काटा था बारीक, उसको भी डालेंगे। लगभग मैं 5 लोगों के लिए बना रहा हूँ ये। और जो मैंने चिली गार्लिक चाउमीन नाम दिया है या नाम बोला है, इसमें बड़ी वाली रेड चिली ली थी मैंने, वो बारीक काटे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें मैंने हरे प्याज का यूज़ किया है, आप चाहे तो नहीं करें, बट हरा प्याज बहुत टेस्टी लगता है इसमें। और हम इसको सब्जी को ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि तो सब्जी बन जाएगी, हमें तो बनानी है चिली गार्लिक नूडल्स या चाउमीन। तो हम इसको हल्का सा सौते करेंगे, ज़्यादा नहीं पकानी है। अब हम इसमें लोग मैंने 2 बड़ी चम्मच सोया सॉस का यूज़ किया है और 4 बड़ी चम्मच विनेगर सफ़ेद सिरके का यूज़ किया है, जिससे कि बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। आप चाहें तो सिरका कम भी डाल सकते हैं, बट मैंने 5 लोगों के लिए बना रहा हूँ तो सिरका थोड़ा 4 चम्मच यूज़ किया। हल्की सी अच्छी सी इसमें खटास आएगी। लोग इसमें चाइनीज़ सॉल्ट का भी यूज़ करते हैं, बट मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो अनहेल्दी होता है, इसलिए मैंने चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ नहीं किया है। बच्चे खाएंगे इसको तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छा, मैंने जो चाउमीन ले ली थी बाज़ार में, इजीली नूडल्स मिल जाती हैं, उसको बॉईल कर लिया था मैंने, और बॉईल करने का उसमें ऑयल डाल लिया था। जब आप बॉईल करें तो उसमें ऑयल का यूज़ ज़रूर करें, वो चुपके ना, स्टिकी बहुत हो जाती हैं, ऑयल डालने से वो चुपकेंगी नहीं, इसलिए मैंने ऑयल डाल लिया था। तो देखिए मेरी नूडल्स बिल्कुल खिली खिली लग रही हैं, बिल्कुल चुपकी नहीं है और बहुत अच्छी लग रही है। और इसको अच्छे से मिलाना है। अच्छा, इसमें जो हम सॉल्ट डालेंगे, सॉल्ट का ध्यान रखें, क्योंकि हमने इसमें हम सोया सॉस सिरका का यूज़ किया है, सोया सॉस में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। जो हम इसमें वो चिली पेस्ट डालेंगे या शेजवान चटनी डालेंगे, उसमें भी सॉल्ट होता है, इसलिए मैंने 3-4 बड़ी चम्मच शेजवान चटनी का यूज़ किया है, क्योंकि इसमें हल्का सा स्पाइसीपन आएगा। और 2 बड़ी चम्मच काली मिर्च पाउडर का यूज़ किया है, नमक सोच समझ कर ही डालें, क्योंकि सब ऑलरेडी इसमें चिली गार्लिक वो शेजवान चटनी में और सोया सॉस में सॉल्ट होता है। मैं इन्हें 2 चम्मच से मिला रहा हूँ, इजीली मिल जाएगी। आप चाहे तो 2 छोटी प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं इसे मिलाने में, क्योंकि इसे मिलाने में थोड़ी कठिनाई होती है, और आप करछुली से मिलाएंगे तो एक ब्रेक हो जाएगी, कट जाएगी, तो मज़ा अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए मैं चम्मच से मिला रहा हूँ। प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं, मिलाना इन्हें अच्छे से ही है, अच्छी तरह मिल जाए सारे जो मसाले हैं और जो शेजवान चटनी अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। यकीन मानिए बच्चों को बहुत पसंद आएगी, घर में सबको पसंद आने वाली है। ये हमारी चाउमीन बिल्कुल तैयार है, हम इसको सर्व करेंगे, और आप इसे टमाटो सॉस, चिली सॉस, जिससे भी खाएं, पूरे घर को खिलाएं, सबको पसंद आने वाली है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती हो या कंटेंट में दम हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।